गाइस चलते हैं अब जलियांवाला बाग और वो जो म्यूज़ियम है पार्टीशन म्यूज़ियम वो एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमको होटल के मैनेजर ने बोला था कि पार्टीशन म्यूज़ियम 5 बजे बंद हो जाता है, तो पहले उधर चलते हैं, फिर चलते हैं जलियांवाला बाग और उधर शाम को फिर एक लाइटिंग होती है वो भी देखेंगे। तो लेट्स गो। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग छोटे-छोटे दुकान हैं जिसको एक ही टाइप में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ये। और ये रहा गोल्ड गोल्डन टेंपल। रात में चलते हैं उधर। और यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं कुल्फी शॉप है, सॉफ्टी शॉप है और लस्सी शॉप है। तो एक स्टैचू है, जब हम एंटर करते हैं जलियांवाला बाग, वहाँ पे एक स्टैचू है, जितने लोग शहीद हुए थे उनके याद में समर्पित बनाया है ये स्टैचू को। सो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों की तस्वीरें हैं और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है उनके बारे में। सो हम आगे चल के देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा इन द हॉनर ऑफ मार्टियर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। सो ये लिखा गया है और उनके शान में ये मूर्ति बनाई गई है। सो अगर आप यहाँ आते हैं तो सामने देखिए गोल्डन टेम्पल दिख रहा है और यहाँ लेफ्ट साइड में जलियांवाला बाग का एंट्री है। जैसे ही हम जलियांवाला बाग एंटर करते हैं वहाँ पे हमको बहुत सारे स्टैचूज़ दिखते हैं। ये स्टैचूज़ हमको कुछ बोल रहे हैं कि अंदर चलिए, अंदर हमारी हिस्ट्री है। तो ये वही लोग हैं जो शहीद हुए हैं जलियांवाला बाग में, छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बड़े बूढ़े तक को नहीं छोड़ा। तो ये कुछ इशारा दे रहे हैं हमें कि अंदर है हमारे साथ में जो हुआ वो अंदर आपको पता चलेगा। तो आइए चलते हैं पहली गैलरी में जहाँ पे कुछ वीडियोस चल रहे हैं और हिस्ट्री बताई जा रही है जलियांवाला बाग की। और ये राजा रंजीत सिंह जो महाराजा थे तो उनकी तस्वीरें और ये हिस्ट्री दिखाई जा रही है ये स्क्रीन पे। तो ये कॉपीराइट इश्यूज की वजह से मैंने म्यूट कर दिया है आवाज़, पर ये आप देख सकते हैं कि ये हमारी हिस्ट्री और ये रियल पिक्चर्स है। तो ये चलते हैं ऊपर थिएटर में। तो यहाँ भी हमें भगत सिंह और राजगुरु के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पिक्चोरियल फॉर्म में बताई जा रही है। सो नीचे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारा हिस्ट्री है, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ पब्लिशिंग्स है जो न्यूज़पेपर में, वो टाइम के न्यूज़पेपर में आए हुए थे। तो ये पूरा उनका हिस्ट्री है। तो ये ब्लैक संडे के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, ग्रेट पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द ब्लैक एक्ट, बॉम्बे क्रॉनिकल्स 4 अप्रैल 1919। सो ये एक पब्लिशिंग था जो यहाँ। तो ये वीडियो में बताया गया है कि जनरल डायर ने कैसे
जलियांवाला बाग का डिसीजन लिया और कैसे इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये सब देख के कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं लोग, क्योंकि इतने सारे लोगों को कैसे कोई एक साथ मार सकता है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने फैमिली, अपने बच्चों को लेके आइए ताकि उनको ये हिस्ट्री पता चले। तो ये वही कुआं है जिसमें लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी थी जब जनरल डायर ने फायर ओपन किया था। तो ये देखिए अंदर से कुआं कैसे दिखता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये गोलियों के निशान हैं वो टाइम पे जब जनरल डायर ने फायर ओपन करने बोला था। इतने बड़े बड़े गड्ढे, गोलियां कितनी बड़ी थी और वो लोगों की हालत क्या हुई होगी जब उनको ये गोलियां लगी। बहुत ही दुखद घटना है ये। तो बेसिकली ये गार्डन है बीच में जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हुए थे और जब जनरल डायर ने ऑर्डर किया ऊपर जलियांवाला बाग जो अब बनाया गया है। एक्चुअली वो इसलिए बनाया गया है क्योंकि लोगों को हिस्ट्री पता चले यहाँ की, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या हुआ था और हम लोगों को एज इंडियंस क्या पता होना चाहिए जलियांवाला बाग के बारे में। और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अगर आप इधर आते हैं तो अपने बच्चों को भी लेके आइए क्योंकि बच्चों को बहुत ही ज़रूरी है ये हिस्ट्री मालूम करना और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है और आप एक इमोशन फील कर सकते हैं इधर आके कि कैसा हुआ होगा वो टाइम पे, कैसे बूढ़े बच्चे लोग मारे गए होंगे और कितनी क्रूरता से लोगों को मारा गया था जनरल डायर के ऑर्डर से। तो ये बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट बनाया गया है जलियांवाला बाग में कि जो प्रिजर्व किया हुआ है। हम लोग ने वहाँ पे भी देखा कि जो गोलियों के निशान है वो अभी भी है और जो एग्जैक्ट फोटोज़ है, वीडियोज़ है लोगों के। तो माइट भी लोग यहाँ ये साइड भी बैठे होंगे या तो वो साइड बैठे होंगे ताकि वो भाग के जब गोलियां चली तो वो साइड पे चले गए। जगह जगह बेंचेस भी बनाए गए हैं लोगों के लिए, तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो आके बैठ सकें अगर वो थक जाते हैं तो। ये एक मेमोरियल है जो भी मैसेकर हुआ यहाँ पे जलियांवाला बाग पे, उसका एक सिंबल यहाँ पे बनाया गया है। यहाँ पे एक लेज़र शो होता है 7 बजे, तो फ़िलहाल तो जलियांवाला बाग का जितना भी जो भी देखना था वो देख लिया, अब बैठते हैं वेट करते हैं लेज़र शो की। सींचा गया है खूने शहीदा से इसका दुख, तू आंसुओं की बुख नकल इस निहाल से। उस विसाखी दे दिन जो लोग इस बाग विच शहीद हुए सन, उना सिख सन न हिंदू न मुसलमान। उस विसाखी खून ना लथपथ होया सी पूरा हिंदुस्तान। ओ अमृतसर विच 13 अप्रैल 1919 ऐतवार दी सवेर सी, पंजाब की धरती दे आने वाले सब तो खूबसूरत दिन दी सवेर, जब सारा पंजाब
विसाखी दिया खुशियां मिला लिया से पता नहीं किन्हीं श्रद्धालुओं हरि मंदिर साहब के दर्शन कर अधिक खालसा पंथ का स्थापना दिवस मनाने आए हुए से ठीक उसे दिन कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में शाम 4:30 एक सभा करने का फैसला लिया से। उन्हां दा इरादा डॉक्टर सत्यपाल अते डॉक्टर किचलू की रिहाई अते काले कानून की वापसी की मांग करना से। विसाखी दियां खुशियां दे विचकार ज्यों ज्यों दिन अगां वधिया एक छोटा जिहा बच्चा टीन दा कनस्तर वजाउंदा होया शहर के कुछ इलाकों में यह सुनेहा देंदे हुए निकलिया। बच्चे की मुनादी को विसाखी मनाते हुए लोगों ने सुनिया ते सोचिया कि जुल्म का विरोध करना तो कोई जुर्म नहीं है। वीर जी बात पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? हाँ सुना है सवा है कोई आप चलो हम मत्था टेक आए बस। अच्छा सुनिए कोई कानून लगाया सरकार ने? हाँ सुना तो मैंने भी वही है शाम को बाग में पता चल ही जाएगा। वैसे परचाई जी आप आ रहे हो ना? खबर नहीं सी कि जनरल डायर ने अमृतसर मार्शल लॉ लगा देता है। प्रभात फेरियां कटण अते जलसे करन ते रोक लगा देती है क्योंकि सरकार ने मार्शल लॉ लगाने का कोई ऐलान नहीं करवाया सी। तकरीबन दोपहर 12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली। साहब सुना है कोई सभा होने वाली है? किधर? साहब बाग में जलियांवाला बाग में। कब? सुना तो था यही 4:30 के करीब। ये जरूरत देखता हूँ सभा को। जनरल डायर यो ही नासी जो अगे चल के अंग्रेज हुकूमत के जुल्म और सितम का सब तो काला अध्याय बनने वाला सी। वो अंग्रेज हुकूमत जिसने भारत में इंसान के हक में उठन वाली हर आवाज को हर तरह नाल कुचलन की कोशिश की थी सी। फिर चाहे वो आवाज गर्ज में उठी हो या खामोशी में 1770 में सन्यासियों के फकीरों ने संघर्ष किया।